इस मूवी में रॉकी नाम की एक लड़की है जो डेट्रॉयट शहर से निकलकर लॉस एंजेलिस जाना चाहती थी एक बेटर लाइफ के लिए। इसीलिए वो आखिरी बार चोरी करना चाहती थी एक बूढ़े अंधे आदमी के घर में अपने बॉयफ्रेंड मानी और अपने फ्रेंड एलेक्स के साथ। लेकिन वो अंधा बूढ़ा आदमी उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। चलिए अब कहानी को डिटेल में जानते हैं। कहानी शुरू होती है रॉकी मानी और एलेक्स की एक घर में चोरी करने से, क्योंकि वो अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते थे। वो लोग घरों में चोरी करते हैं एलेक्स के डैड के बनाए गए डिवाइस के मदद से, लेकिन चोरी किए गए सामान बेचकर उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने ख्वाब को पूरा कर सके। रॉकी का सपना है वो डेट्रॉयट सिटी छोड़कर कैलिफोर्निया सिटी जाना चाहती है अपने छोटी बहन डिड्डी को लेकर, क्योंकि वो डिड्डी को अपने खराब नेचर वाली मम्मी जिंजर और उसके नर्सरी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रखने देना चाहती ताकि डिड्डी का फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो एक दिन मानी को अपने खबरी के पास से एक खबर मिलता है और वो ये खबर रॉकी और एलेक्स को बताता है कि गल्फ वार के एक जवान जो अभी काफी बूढ़ा हो चुका है जिसका नाम है नॉर्मन नॉर्डस्टॉर्म, उसको सिविल सेटलमेंट के तहत $3,00,000 कैश मिला है और वो इन पैसों को बैंक में जमा ना करके अपने घर में कहीं पर छुपा के रखा है। ये पैसे उसको अपने प्री मैच्योर बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के वजह से मिला था और इस एक्सीडेंट में सिंडी रॉबर्ट्स नाम की एक लड़की इन्वॉल्व थी। और ये आदमी अभी डेट्रॉयट के एक सुनसान हो चुकी कॉलोनी में अकेला रहता है। तो मानी कहता है ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है अपने लाइफ को सुधारने का, लेकिन एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता। बाद में रॉकी एलेक्स को बोलती है अगर हम इस चोरी को करते हैं तो मैं कैलिफोर्निया जा सकूंगी अच्छे जीवन जीने के लिए। तो एलेक्स इस बात को सुनकर चोरी के लिए मान जाता है। अब तीनों मिलकर दिन में घर की बाहर से जायजा लेते हैं। उनको पता चलता है कि नॉर्डस्टॉर्म एक अंधा आदमी है और उसके पास बड़ा रॉटवीलर डॉग है। अब तीनों मिलकर रात में चोरी करने के लिए आते हैं। पहले तो वो लोग डॉग को एक ड्रग वाली खाना खिलाते हैं ताकि वो सो जाए। अब वो लोग घर में घुस जाते हैं और मानी जाकर एक नींद की गैस की बोतल नॉर्डस्टॉर्म के कमरे में रख आता है ताकि वो सो जाए और ये लोग आसानी से चोरी कर सके। अब वो तीनों घर में इधर उधर घूमकर फाइनली एक रूम के सामने पहुंच जाते हैं जिसके डोर पर ताला लगा हुआ था जो कि बेसमेंट में जाती है। मानी को लगता है कि हो ना हो पैसे इसी कमरे में है, तो वो अपनी गन से लॉक को तोड़ देता है, लेकिन बंदूक के आवाज से नॉर्डस्टॉर्म का नींद टूट जाता है। वो गैस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई है। अब नॉर्डस्टॉर्म और मानी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मानी पर भारी पड़ता है और मानी की गन छीन कर वो मानी को मार डालता है। और ये हादसा एलेक्स और रॉकी के सामने ही होता है और वो दोनों चुपचाप मानी को मारता हुआ देखते हैं। मानी को मारने के बाद नॉर्डस्टॉर्म अपने घर को सिक्योर करता है और बाद में वो अपने छुपाई हुई लॉकर को चेक करता है जो कि क्लोजेट में है, लेकिन क्लोजेट में रॉकी भी छुपी हुई थी और उसने लॉकर की कोट को देख ली थी। इसलिए नॉर्डस्टॉर्म के जाने के बाद रॉकी उस लॉकर से सारा पैसा अपने बैग में ट्रांसफर करती है। इधर नॉर्डस्टॉर्म को रॉकी और एलेक्स का जूता मिल जाता है और वो समझ जाता है कि घर में दो चोर और है। इसीलिए वो लॉकर को दोबारा चेक करता है और वो देखता है लॉकर खाली है। इसीलिए वो उन दोनों चोरों की तलाश करता है अपने घर में। इधर रॉकी और एलेक्स चोरी करने के बाद बेसमेंट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत वहां पर रस्सियों से बंधी हुई थी। रॉकी को समझ आता है कि ये लड़की सिंडी रॉबर्ट्स है। सिंडी भीख मांगती है कि मुझे यहाँ से बचाओ, तो रॉकी और एलेक्स उसको छुड़ाकर बेसमेंट की डोर को खोलने की कोशिश करते हैं। इधर नॉर्डस्टॉर्म बाहर ही वेट कर रहा था और जब डोर खुला तो नॉर्डस्टॉर्म गोली चला देता है और एक्सीडेंटली ये गोली सिंडी को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जबकि एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में छुप जाते हैं और नॉर्डस्टॉर्म सिंडी के बॉडी को लेकर रोने लगता है क्योंकि उसके शरीर में नॉर्डस्टॉर्म का ही बेटी थी। अब वो बेसमेंट के लाइट को बंद कर देता है ताकि एलेक्स और रॉकी को मुश्किल हो और वो उन्हें ढूंढ सके। लेकिन इधर उधर भागने के बाद रॉकी और एलेक्स ऊपर वाले कमरे में भाग आते हैं, लेकिन ऊपर आते ही
वो रॉटवीलर उन पर हमला कर देता है, तो उससे बचने के लिए दोनों नॉर्डस्टॉर्म के बेडरूम में छुप जाते हैं। अब नॉर्डस्टॉर्म भी उन दोनों का पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। इसीलिए रॉकी बेडरूम के वेंटिलेशन डक्ट में चढ़कर बेडरूम से भाग जाती है और कुत्ते की हमले की वजह से एलेक्स नीचे गिर जाता है और एक कांच की छत पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब रॉकी का पीछा करने के लिए नॉर्डस्टॉर्म का कुत्ता वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ जाता है और उसका पीछा करके उसे काट लेता है। अब नॉर्डस्टॉर्म नीचे लौट आता है और एलेक्स को भी होश आ जाता है। अब नॉर्डस्टॉर्म ग्लास में शूट करता है तो एलेक्स नीचे की कमरे में गिर जाता है और दोनों में लड़ाई होती है और नॉर्डस्टॉर्म एलेक्स को अधमरा कर देता है। इधर रॉकी वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने ही वाली थी तभी नॉर्डस्टॉर्म आकर उसे पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद रॉकी को होश आ जाता है और वो देखती है वो उसी जगह में बंधी हुई है जिस पर कुछ देर पहले सिंडी बंधी हुई थी। अब नॉर्डस्टॉर्म कहता है सिंडी प्रेग्नेंट थी, मेरी बच्ची को वो जन्म देने वाली थी लेकिन तुम लोगों के वजह से वो मर गई, इसलिए अब तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। और वो एक आर्टिफिशियल सीमेंट रॉकी के अंदर डालने की तैयारी कर रहा था। वो प्रॉमिस करता है तुम जब मुझे बच्ची दे दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये प्रोसीजर करते टाइम रॉकी खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन तभी एलेक्स आता है और नॉर्डस्टॉर्म को मार के बेहोश कर देता है और रॉकी को आजाद करता है और नॉर्डस्टॉर्म को हथकड़ी पहना देता है। अब दोनों जल्दी जल्दी घर से निकलने के लिए भागते हैं और जब एलेक्स घर के डोर को खोलने के लिए कोशिश करता है तभी नॉर्डस्टॉर्म पीछे से आकर एलेक्स को गोली मारता है और एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाता है। अब रॉकी घर से भाग जाती है और रॉटवीलर उसका पीछा करता है तो उसे बचने के लिए रॉकी कार में छुप जाती है लेकिन वो पैसों से भरी हुई बैग तो कार के बाहर ही रह जाता है, इसीलिए वो कुत्ते को किसी तरह कार में बंद करके जैसे ही वो पैसों वाली बैग को उठाता है नॉर्डस्टॉर्म उसको पकड़ के बेहोश करके घर में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो घर के अलार्म को एक्टिवेट कर देती है नॉर्डस्टॉर्म को कॉन्फ्यूज करने के लिए और अब रॉकी नॉर्डस्टॉर्म को एक क्रोबार से खूब पीटती है और नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। उसे लगता है कि नॉर्डस्टॉर्म मर चुका है तो वो पैसों वाली बैग को लेकर जल्दी से जल्दी घर से भाग जाती है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। अब कुछ दिनों बाद रॉकी और डीडी उस इंसिडेंट का न्यूज रिपोर्ट देखती है टीवी में। उसमें कहा जाता है नॉर्डस्टॉर्म की कंडीशन अच्छी है, वो तेजी से रिकवर भी कर रहा है हॉस्पिटल में। उन दोनों चोरों को मारने के बाद जो उसके घर में घुसे थे और खुद को बचाने के लिए वो उनको मार डाला था लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं पर भी ये बताया नहीं गया है कि तीसरी चोर कहां पर है या फिर सिंडी रॉबर्ट्स और पैसे कहां पर है। अब रॉकी और डीडी एक ट्रेन पकड़कर लॉस एंजलिस के लिए निकल पड़ती है जहां एक नया जीवन उनका इंतजार कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी साल 2016 में आई डोंट ब्रीथ। तो कैसी लगे आपको ये मूवी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना और प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिले। थैंक यू।